ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नममा। ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ वो अग्नि को अर्पण है, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। साधना जो है इट इज़ लाइक अ प्रोमिस गिवन टू देवता, एक ऐसा वचन जो आप ईश्वरीय सत्ता को देते हैं, काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ अ अग्रीमेंट, जहाँ पे आप एक समय पर, एक स्थान पर और एक मंत्र को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। उन वे जब तांडव कर रहे थे, उन तांडव के वक्त उनके पाँव की, उनके हाथों के जो मूवमेंट्स थी वो जैसे जैसे होती जा रही थी, वैसे वैसे हर एक मूवमेंट के साथ एक एक मंत्र पैदा हो रहा था, और ऐसे हमें प्राप्त हुए 7 करोड़ मंत्र। गायत्री मंत्र जो है उनके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र ने ये मंत्र ब्रह्मांड में घूमता हुआ देखा था, गायत्री मंत्र के एक एक वर्ण को उन्होंने देखा था, और जब उनके पास ये मंत्र पहुंचा, जब उन्होंने ये मंत्र देखा, उसके बाद उन्होंने मनुष्य जगत को ये मंत्र प्रदान किया, और इसी वजह से गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा बन गए ऋषि विश्वामित्र। राजा कौशिक चौंक गए कि एक साधु जिन्हें, जो संसार में नहीं है, जिनके पास ना तो धन दौलत है, ना तो संपत्ति है, ना तो ऐश्वर्य है, इन्होंने मेरी पूरी सेना, जो हजारों की सेना थी, उनको इतना भरपेट भोजन कैसे खिलाया, और स्वादिष्ट भोजन, 56 भोग। एक क्षत्रिय जो राजा था, उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या की, उन्होंने ब्राह्मण की उपमा प्राप्त की, ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त की, और वो बन गए ब्रह्म ऋषि। नमस्कार, स्वागत है बैठक में। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने वाले हैं परख ओम भट्ट, जो कि तंत्र प्रैक्टिशनर हैं। अब तक उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल वेदोलॉजी के माध्यम के द्वारा और अलग अलग दूसरे पॉडकास्ट के माध्यम के द्वारा तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, इसकी बातें बहुत सारी की है। लेकिन आज वो हमारे साथ, हमारे पॉडकास्ट में, तंत्र कैसे काम करता है, एक्चुअली शक्ति सिद्धि ये सब क्या है, किस तरह से ये काम करती है, साथ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन साधनाओं का दुरुपयोग करते हैं, आजकल लोग सडनली, लोगों की डेथ हो जा रही है, तो क्या उसके पीछे भी कोई तंत्र का विधान है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं। आज का पॉडकास्ट खूब मज़ेदार होने वाला है, तो आप पॉडकास्ट के एंड तक बने रहिए, पॉडकास्ट में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। का स्वागत है हमारे बैठक के पॉडकास्ट में। परख भाई, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई आज। कोशिश कई टाइम से चालू थी, पर समहाउ आप भी बिजी थे, इस वजह से मिल नहीं पाए, लेकिन आज सब घड़ियां मिल गई है और आप भी मिल गए हैं। सबसे पहले तो आज शुरुआत करने से पहले एक स्तुति, आपने बोला कि एक स्तुति करते हैं, तो स्तुति से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंदर विराजमान मां आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पे एकत्र हुए हैं। नारायणी नमोस्तुते। एक एनर्जी आ गई। एक्चुअली जब भी कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी होती है, जब हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी तो फील होती ही है। पर मैंने बहुत सारे आपके पॉडकास्ट देखे, आपके वीडियो देखे, लेकिन आप पर्सनली जब साथ बैठे हो ना, तो एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा फील होता है। वो शायद कैमरा में देखने वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आपका एक पर्सनली जब मिलते हो तो एक वाइब है, बहुत पॉजिटिव है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आज पहला वही क्वेश्चन है मेरा कि अगर कोई इंसान भगवान में मानता नहीं है, तो पहला तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर भगवान है तो उनकी अनुभूति हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनसे उनका साक्षात्कार हम कर सकते हैं।
सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द टीम मेंबर्स ऑफ बैठक. बहुत समय से हमारी बातें चल रही थी और कुछ ट्रैवलिंग की वजह से हम लोग इस पॉडकास्ट को स्केड्यूल नहीं कर पा रहे थे. सो अनुज जी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए. प्रश्न आपका बहुत ही सांप्रत है, कंटेम्प्ररी है, कि ईश्वर की अनुभूति कैसे हो सकती है. जब भी आप किसी अग्नि को देखते हैं जो प्रज्वलित होती है, वो अग्नि जो है वो स्वयं ईश्वर है. जिस जल का हम पान करते हैं, जिस जलपान की वजह से हम जिंदा रह पाते हैं, वो जल ईश्वर है. जो सांसें हम ले रहे हैं, वो सांसों की वजह से हमारे प्राणवायु, हमारा जो प्राण है वो चल रहा है. वो पवन, वो जो हवा है, वो जो सांसें हैं, वो ईश्वर हैं. इनफैक्ट सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर एक लॉजिक दिया गया है. आप अगर एंशिएंट टाइम्स से देखते आएंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि शायद पूरे विश्व के बहुत ही कम धर्म ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्राकृतिक तत्वों की पूजा के बारे में बताया गया है. हमारे यहाँ पे पांच तत्वों की, यानी कि पंच महाभूत की पूजा की जाती है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी. स्पेसिफिकली जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं उस वक्त पे इन तत्वों को आहुति भी दी जाती है. ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदम नमः. ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ वो अग्नि को अर्पण है, ये अग्नि के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है. इदम अग्नये, इदम नमः. ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वायानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा. ये जो हमारे पांच वायु, प्राण, अपान, उदान, वयान और समान, जो हमारे पूरे देह में विराजमान होते हैं, जिन पांच वायुओं की वजह से हमारा जीवन चल पाता है, वो पांच वायु भी ईश्वर हैं. हमारे हमारी जो सांसें हैं वो भी ईश्वर हैं. जो हमारा एक एक क्षण इस पृथ्वी पर, भूलोक पर हमें दिया गया है, वो ईश्वरीय आशीर्वाद ही है. अगर कोई रैशनल व्यक्ति या फिर कोई नास्तिक व्यक्ति ये कह रहा है कि हमें ईश्वर पर विश्वास नहीं है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ. अगर हमारे शरीर में कोई सेल है, जो कोश हम कहते हैं ना, वो कोश अगर दूसरे कोश के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, बातचीत कर रहा है, अगर वो दूसरे को ये कह रहा है कि हम ही सर्वस्व हैं, हमारे अलावा कोई और है ही नहीं, लेकिन उस सेल को पता नहीं है कि वो किस बॉडी के अंदर है, वो जो एक लार्जर बॉडी है वो हम हैं, हमारे अंदर सेल्स होते हैं, तो उसी तरह जो पूरा ब्रह्मांड है वो ईश्वर का एक कॉस्मिक बॉडी है. उनके अंदर हम छोटे छोटे सेल्स हैं, और फिर भी अगर ये अभिमान किया जाए कि हम ही सर्वस्व हैं, हमारे अलावा इस पूरे ब्रह्मांड में ना तो किसी का अस्तित्व है, ना तो किसी की सत्ता है, तो ये सबसे बड़ी और आई वुड से मूर्खतापूर्ण बात होगी. तो ईश्वरीय सत्ता को मानने या ना मानने का अधिकार सबका अपना अपना है, लेकिन ये मानकर चलना कि हमारे ऊपर कोई है ही नहीं, ये तो आई डोंट थिंक सो कि वो ट्रूथ, वो सत्य है नहीं बेसिकली. पर अब जब भगवान में हम मानते हैं तो हम उनके लिए कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, कई लोग पूजा करते हैं, साधना करते हैं. अब कई बार क्या होता है, कन्फ्यूज़न बना रहता है कि पूजा और साधना दोनों एक चीज़ है. क्या दोनों एक है? अगर है नहीं है तो क्या डिफरेंशिएशन है, वो आप बता पाए. देखिए, पूजा जो है, नित्य पूजा फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हैं. मान लीजिए आपने नित्य पूजा का कोई नियम लिया है कि मैं हर रोज़ जो है वो इतने इतने देवी देवताओं की नित्य पूजा करूँगा या फिर करूँगी. उस समय पर अनुज जी ये बात समझना बहुत आवश्यक है कि हो सकता है कभी कभार आपको पूरे दिन में टाइम ना भी मिले, स्किप कर जाओ आप नित्य पूजा. हो सकता है कि कम टाइम मिले. आप अगर हर रोज़ 3 माला कर रहे हैं तो शायद 1 माला करने का टाइम मिले आपको. ये भी हो सकता है कि आप सुबह के बजाय रात को कर पाए, या फिर आपने रात का नियम लिया है तो रात के बजाय आप सुबह कर पाओगे आपके टाइम के हिसाब से. जबकि साधना जो है, इट इज़ लाइक अ प्रॉमिस गिवन टू देवता, एक ऐसा वचन जो आप ईश्वरीय सत्ता को देते हैं, काइंड ऑफ अ बॉन्डिंग, काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड ऑफ अ अग्रीमेंट, जहाँ पे आप
एक समय पर, एक स्थान पर और एक मंत्र को जागृत करने का संकल्प लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ये संकल्प लिया कि आने वाले 11 दिनों तक या फिर आने वाले 40 दिनों तक मैं साधना करूँगा, उन 40 दिनों में आपको हर रोज़ एक ही समय पर, एक ही स्थान पर, एक स्पेसिफिक रंग के वस्त्र पहनकर बैठना होगा। साधना के विधि विधान जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलाबरेटिव हैं। नित्य पूजा में ये नहीं होता कि आप को अलग अलग विधि विधानों से गुजरना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, तर्पण मार्जन जो हमारे अलग अलग साधना के विधान होते हैं, जब आप नित्य पूजा कर रहे होते हैं उस वक्त पे कोई कोई लोग यज्ञ का नियम लेते हैं, कोई कोई व्यक्ति यज्ञ का नियम नहीं लेते। लेकिन जो साधना है वो कभी भी यज्ञ के बिना पूर्ण नहीं हो सकते। हमारे शास्त्र में अलग अलग स्टेप्स दिए गए हैं साधना के, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुद्धिकरण, आचमन, पवित्रीकरण, गणपति आवाहन, स्वस्ति वांचन, पृथ्वी पूजा, तर्पण, मार्जन, मुद्रा, न्यास, विनियोग, मूल मंत्र जप, उत्तर मुद्रा, पूर्व मुद्रा, यज्ञ, पूर्णाहुति, ये अलग अलग प्रकार के स्टेप्स वहाँ पे किए जाते हैं। इफ़ यू आर इन्वोकिंग अ मंत्र, आपको इन सारे स्टेप से गुजरना ज़रूरी है। अगर आप नित्य पूजा कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने स्थान पर बैठकर, पूजा स्थान पर बैठकर आप वो जो है माला को हाथ में धारण करके आप उस पर मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन साधना में ऐसा नहीं होता। साधना के पूर्णाहुति के बाद भी जो दान धर्म का एक स्टेप है, जहाँ पे आप दूसरों के प्रति चैरिटी जो हम कहते हैं वो आप करते हैं, साथ में ब्रह्म भोज का भी उतना ही महत्व दिया गया है, तो ये जो सारे विधि विधान हैं वो साधना में आ जाते हैं। जबकि नित्य पूजा में ऐसे कोई विधि विधान है नहीं। तो नित्य पूजा आप कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबल तौर पर आप कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कर सकते हैं, लेकिन साधना में कुछ कुछ नियम बिल्कुल आवश्यक होते हैं जिसका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब साधना अगर किसी व्यक्ति को करनी है तो उसके लिए उसका गुरु का होना कितना ज़रूरी है? साधना का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो मन को साधना है। जब मन को साधा जाएगा तभी आप साधना कर पाएंगे। अनुज जी, आज की तारीख में बहुत सारे लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं कि हमें साधना करनी है, हमें अलग अलग देवी देवताओं के नाम लेकर ये कहा जाता है कि हमें इनकी साधना दे दीजिए, हमें वो मंत्र वाली साधना दे दीजिए। गुरु की रिक्वायरमेंट तो बहुत बाद में आती है। पहली जो रिक्वायरमेंट है ना अनुज जी, वो है क्या आप डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ नित्य पूजा कर पा रहे हैं। अगर वो डिसिप्लिन आपके अंदर नहीं है तब तक आप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक मन को साधा नहीं जाएगा तब तक आप साधना नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक स्थान पर 20 मिनट से ज़्यादा, 25 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पा रहे हो, तो एक मंत्र को जागृत करने के लिए जहाँ पे अलग अलग विधि विधान किए जाते हैं, जहाँ पे आपको 1.5 घंटा, 1 घंटा बैठना पड़ता है, वो आप कैसे कर पाओगे? इतना सुनिश्चित करने के बाद आप एक बार नित्य पूजा के स्केड्यूल में आज आ गए। उसके बाद आता है नेक्स्ट साधना का स्केड्यूल, जहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो आपने पूछा वही आता है कि क्या साधना के लिए गुरु की आवश्यकता है। मेरा उत्तर ये रहता है कि कुछ कुछ साधनाओं में गुरु की आवश्यकता नहीं होती। स्पेसिफिकली जो ओम स्वामी लिखित एक बहुत सुंदर पुस्तक है, एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, जहाँ पे ये कहा गया है कि 3 साधना ऐसी हैं जो आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं। सबसे पहली गणपति साधना, दूसरी गायत्री साधना और तीसरी गुरु साधना। ये क्यों किया, इसे क्यों परफॉर्म किया जाता है इस साधना को, इसके पीछे का भी बहुत ही सुंदर कारण है। गणपति जो है वो मूलाधार चक्र के देवता हैं। हम सबको पता होगा कि मूलाधार चक्र हमारे डिज़ायर के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी जो सारी इच्छाएं हैं जीवन में, चाहे डिज़ायर से मेरा अर्थ सिर्फ काम वासना नहीं है, क्योंकि मूलाधार चक्र जो है वो जननांग का चक्र है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर की बात हो रही है, जो सच नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ वो सारी डिज़ायर की जो हमारे जीवन में, हमें रोज़मर्रा के लाइफ में हम देखते हैं कि हमें
सक्सेसफुल होना है, हमें इतने पैसे कमाने हैं। बहुत बार ये होता है कि एक साधक जो होता है उसे सब मिल जाने के बाद भी, उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाने के बाद भी नई नई इच्छाएं जागृत होती रहती हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है श्री ललिता सहस्र नाम में, मूलाधारैक निलया ब्रह्म ग्रंथि विभेदिनी मणिपुरांतरुदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी आग्ना चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी सहस्रारामबुझारूढ़ा सुधा सारा अभिवर्षिणी। जिसका अर्थ है कि जब आप माँ को जागृत करते हैं, जब आप ईश्वरीय सत्ता को जागृत करते हैं ना, उस समय पर सबसे पहले जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो मूलाधार चक्र के अंदर विराजमान जो ब्रह्म ग्रंथि है उसका विभेदन करती है, उसका खंडन करती है। अब ब्रह्म ग्रंथि क्या है? ब्रह्म ग्रंथि यानी कि कुछ क्रिएट करने की, कुछ पा लेने की जो तीव्र इच्छा रहती है हमारे अंदर, जो कभी संतुष्ट नहीं होती, जिसका कोई अंत नहीं है, वो है ब्रह्म ग्रंथि। जब तक ब्रह्म ग्रंथि का विभेदन नहीं हो पाता, जब तक उसका खंडन नहीं हो पाता, तब तक एक साधक अपने आध्यात्मिक मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद मणिपुरांतर उदिता विष्णु ग्रंथि विभेदिनी, कुंडलिनी ऊर्जा पहुंच जाती है मणिपुर चक्र में, जहां पे विराजमान है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि यानी एक बार आपने संपत्ति पा ली, ऐश्वर्य, धन, धान्य, समृद्धि, ये सब कुछ आपने पा लिया, उसके बाद उसे छोड़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें लगता है कि हम सब समेट कर बैठ जाएंगे, ये बस हमारे पास रहेगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कोई भी इंसान जब उसकी मृत्यु होती है तब वो हाथ खुले रख कर ही जाता है, वो कुछ बांध के नहीं जा सकता, वो अपनी मुट्ठी बंद करके नहीं जा सकता। चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो, एक बार आपने अपने प्राण का त्याग कर दिया, आपने पूरे जीवन के दौरान कितनी भी संपत्ति प्राप्त की होगी, आप उसे साथ में लेकर नहीं जा सकते। लेकिन पता तो सबको है इस चीज़ के बारे में, फिर भी हम भागते रहते हैं बहुत बार। उस भाग दौड़ से निकलने के लिए साधना की जाती है जहाँ पे आप विष्णु ग्रंथि को खंडित करते हैं कुंडलिनी ऊर्जा के माध्यम से। विष्णु ग्रंथि के विभेदन के बाद ये जो हमारी सस्टेन करने की इच्छा है सब कुछ, कि हम इतना समेट कर बैठ जाए कि फिर वो किसी के पास जा ही ना सके, टिका कर बैठे ये सारी चीज़ें, वो एक इच्छा ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आग्ना चक्रांतरालस्था रुद्र ग्रंथि विभेदिनी, आग्ना चक्र में जो रुद्र ग्रंथि का प्रभाव होता है, रुद्र ग्रंथि यानी एक इंसान अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर सकता है, एक इंसान अपनी जो मटेरियल वेल्थ हैं, जो एक लालन पालन करने की एक इच्छा रहती है कि मैं सब कुछ पालन करूं, सारी चीज़ें मेरे हाथ में हो, मेरे कंट्रोल में हो, ये इच्छा का भी वो खंडन कर सकता है एक हद तक। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज जो है वो है एक मनुष्य का खुद का अहंकार, खुद का ईगो। एक व्यक्ति अपने जीवन से सब कुछ त्याग करके निकल सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती होती है ना, वो होता है अहंकार। उससे बाहर निकल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अहंकार और ज्ञान साथ साथ में चलते हैं। जिस समय पर एक मनुष्य के अंदर ज्ञान आता है, उसी समय पर पैरेलल पाथ पर अहंकार भी आता है। तो ज़रा सा भी नज़र चूक हुई, आपके अंदर अहंकार का तीव्र प्रभाव दिखना वो शुरू हो जाता है। तो रुद्र ग्रंथि आग्ना चक्र में जो है वो वहाँ पे स्थापित है। आप एक कंसिस्टेंसी के साथ साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो, तो रुद्र ग्रंथि का विभेदित होना, उसका खंडित होना भी तय है। तो ये तीन जो है हमारे मूल ग्रंथियाँ, वो कनेक्टेड हैं सीधा गणपति की साधना से। गणपति की साधना के बाद आती है गायत्री साधना, और ये साधना में भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा सवितुर गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र
इसलिए ज़्यादा प्रचलित भी हैं क्योंकि शास्त्रों में गायत्री माँ को वेद माता की संज्ञा दी गई है। वेद माता यानी हमारे जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद के जितने भी श्लोक, जितने भी मंत्र हमें प्राप्त होते हैं, उनकी जो जननी है वो है वेद माता गायत्री। जैसे एक लेखक को, एक राइटर को रॉयल्टी देना आवश्यक है, वैसे ही जो मंत्र हम शास्त्रों में से ले रहे हैं अपनी साधना के दौरान, फॉर एग्जांपल जो स्वस्ति वांचन है जिसके माध्यम से आप शुभ ऊर्जाओं को जागृत करते हैं अपने आसपास, आपने बहुत सारे पूजा पाठ वगैरह जो यज्ञ कर्म होते हैं वहाँ पे सुना होगा, ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पशेमाक्षीर्य जत्रा स्थिर रंगे स्तुष्टुवागम सस्तनु भी व्यशेम देव हितम यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वांचन जो है वो हमें प्राप्त होता है ऋग्वेद से। अब ये जो श्लोक हमें वहाँ से प्राप्त हुआ, ऐसे बहुत सारे श्लोक ड्यूरिंग साधना उसका आप उपयोग करते हैं, उस श्लोक की रॉयल्टी जब तक आप नहीं देते ना, तब तक आप साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। जब मैं रॉयल्टी की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक प्रकार का टोल टैक्स है वो। अगर आपको स्पिरिचुअल हाईवे पर आगे बढ़ना है तो आपको एनी हाउ ये टोल टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो टोल टैक्स जब तक पे नहीं होता तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो है वो फाइन के तौर पर बढ़ता जाएगा। फिर बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ पे वे ये कहते हैं कि हमने अपने जीवन में गायत्री गुरु गणपति की साधना तो नहीं की, तो क्या हमें जो हमने पूर्व जीवन में जो साधनाएँ की, हमने जो उपासना की, हमने जो पूजा की, वो व्यर्थ चली गई? बिल्कुल नहीं। वो आपके अकाउंट में जमा होती रहती है, वो आपको फल अवश्य देती है। लेकिन अगर एक बार आपने ये जो टोल टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो आपने पे कर दिया, तो उन सारी साधनाओं का पूर्ण फल प्राप्त हो पाना संभव है। गणपति और गायत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण साधना गुरु साधना, जहाँ से हमारा ये प्रश्न शुरू हुआ था, गुरु नहीं है तो क्या करना चाहिए। शास्त्र में बहुत ही स्पष्ट तौर पर अनुज जी ये कहा गया है, अगर आपके पास फिजिकल फॉर्म में यानी कि मानव गुरु नहीं है, तो आपको भगवान महादेव की ऊर्जा को, दक्षिणामूर्ति की ऊर्जा को जागृत करके अंतरात्मा में उन्हें स्थापित करना पड़ता है। और इसका एक बहुत ही बड़ा कारण ये भी है, सृष्टि की शुरुआत में जब सबसे पहला महातांडव हुआ था, उस महातांडव में भगवान महादेव ने हमें 7 करोड़ मंत्र दिए थे। उनकी जटाओं का जो आवाज़, जो नाद पैदा हुआ, जो मूवमेंट्स थी सारी, उनके हाथों में जो रुद्राक्ष थी, उन रुद्राक्ष की वजह से जो नाद पैदा हुआ, उनके डमरू के जो नाद थे, वो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर डमरू बज रहा था, वो जितने भी नाद थे, उन वे जब तांडव कर रहे थे, उन तांडव के वक्त उनके पाँव की, उनके हाथों की जो मूवमेंट्स थी वो जैसे जैसे होती जा रही थी, वैसे वैसे हर एक मूवमेंट के साथ एक एक मंत्र पैदा हो रहा था। और ऐसे हमें प्राप्त हुए 7 करोड़ मंत्र। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं श्री ललिता सहस्रनाम में, महेश्वर महाकल्प महातांडव साक्षिणी महाकामेश महिषी महात्रिपुर सुंदरी। ये महातांडव जो भगवान महादेव ने, आशुतोष ने किया, उस तांडव का, उस तांडव की एकमात्र साक्षिणी जो है, जो उन्होंने, जिन्होंने ये अपनी नज़रों से देखा, अपने स्वयं के नेत्रों से देखा, वो स्वयं ललिता महात्रिपुर सुंदरी हैं, महादेवी हैं, आदि पराशक्ति हैं, जो भी आप नाम उन्हें दे लें। उन्होंने जब ये तांडव देखा, उसी वजह से ललिता सहस्रनाम में उनके नाम दिए गए, महेश्वर महाकल्प। महाकल्प के अंत में महेश्वर ने जो तांडव किया, उनकी जो साक्षिणी थी वो थी महातांडव साक्षिणी। उस तांडव के वक्त हमें ये 7 करोड़ मंत्र प्राप्त हुए। इसका स्पष्ट अर्थ ही ये है कि महादेव सबसे पहले गुरु थे जिन्होंने हमें मंत्र दिए। ये 7 करोड़ मंत्र का जब प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद जो भी ऋषि और मुनि भूलोक पर
तपस्या कर रहे थे निराकार परब्रह्म की, उन्होंने उन मंत्रों को देखा। इसी वजह से ऋषि मुनि को मंत्र दृष्टा की संज्ञा दी गई है। उन्हें मंत्रों का रचयिता नहीं माना जाता, उन्हें मंत्र के सर्जक के तौर पर नहीं पूजा जाता। जैसे कि गायत्री मंत्र जो है, उनके मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र ने ये मंत्र ब्रह्मांड में घूमता हुआ देखा था। गायत्री मंत्र के एक एक वर्ण को उन्होंने देखा था। और जब उनके पास ये मंत्र पहुंचा, जब उन्होंने ये मंत्र देखा, उसके बाद उन्होंने मनुष्य जगत को ये मंत्र प्रदान किया। और इसी वजह से गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा बन गए ऋषि विश्वामित्र। भगवान श्री उच्छिष्ट गणपति का जो नवान मंत्र है, उनके मंत्र दृष्टा जो है वो कंकोल ऋषि हैं। ऐसे ही अलग अलग मंत्रों के मंत्र दृष्टा अलग अलग हैं। ऋषि वशिष्ठ से लेकर जो हमारे सप्त ऋषि हैं, अत्रि, भारद्वाज, गौतम, कश्यप, ये जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इन मंत्रों को देखा सप्त ऋषियों ने, और मनुष्य जगत को प्रदान किया। इस वजह से सप्त ऋषियों की महत्ता आदिकाल से चली आ रही है। जब जीवन में फिजिकल फॉर्म में गुरु नहीं है, उस समय पर आपको ये जो अलग अलग हमने बात की पूरी, उनके मूल में जाना होता है, उनके सोर्स में जाना होता है। और सोर्स क्या है? आदि गुरु भगवान महादेव, यानी कि दक्षिणामूर्ति शिव। गुरु के तौर पर आप ये गुरु साधना करें, और गुरु साधना में आप बस इतना ही उनके समक्ष एक संकल्प रखिए कि जब मेरे जीवन में फिजिकल फॉर्म में कोई गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि जो भगवान महादेव है, जिन्होंने ये मंत्र मुझे दिए, समस्त मनुष्य जगत को दिए, वही भगवान आदि गुरु महादेव मुझे गाइडेंस भी दे, मुझे मार्गदर्शन दे कि मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँ। जब आपकी अंतरात्मा, आपका इंट्यूशन, आपका इंटीट्यूट पावर शक्तिशाली हो जाता है ना, उस वक्त पर एक समय ऐसा आता है जहाँ पर आपको साधना की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बाहर से गाइडेंस लेने जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी अंतरात्मा ही आपको मार्गदर्शन देती रहती है कि आपको अगली साधना कौन सी करनी है। और ये बात सिर्फ मैं कह नहीं रहा हूँ, इस बात की अनुभूति भी मैंने की है, और इस बात की पुष्टि बहुत सारे साधकों से मैंने करी है। ऐसे कई साधक मेरे ध्यान में हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक गुरु नहीं बनाए थे, लेकिन वो अपने इंट्यूशन के तौर पर आगे बढ़ते रहे, और वही इंट्यूशन उनको ये कहता रहा कि पहले ये साधना करनी है आपको इस मंत्र की, उसके बाद आपको इस मंत्र को धारण करना है, इसकी पूर्ण साधना आपको करनी है। ऐसे करते 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 उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाया था। तो गणपति, गायत्री और गुरु, ये तीन साधना जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनको अवश्य करनी चाहिए। जिनके जीवन में मानव गुरु है ऑलरेडी, जो उनको मंत्र के मार्ग पर आगे लेकर जा रहे हैं, उनके लिए गुरु साधना वैकल्पिक हो जाती है, ऑप्शनल बन जाती है फिर। नहीं, पर आपने गायत्री साधना की बात की, अब बहुत ऐसी जगह पे सुनने को आता है कि गायत्री मंत्र की उपासना नहीं करनी चाहिए या उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ टाइम में करना चाहिए। इन सब बारे में कुछ बताइए कि एक्चुअली इस मंत्र की साधना की कैसे जाए, और कैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है। गायत्री मंत्र के बारे में इतनी सारी भ्रमणा आज की तारीख में हमारे समाज में है कि हर दूसरा मनुष्य जो है वो ये कह रहा है कि गायत्री मंत्र के अलग अलग दुष्प्रभाव हैं। कहीं कहीं लोग, जब मैं ये बात करता हूँ ना कि गायत्री मंत्र का उच्चारण सबको करना चाहिए, उस वक्त पे आके ये लिखते हैं कि इन्होंने तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, ये किसी संप्रदाय के साथ जो है जुड़े ही नहीं हैं, इनको इनके गुरु ने जो है वो मार्गदर्शन ही नहीं दिया है कि ये शास्त्र के हिसाब से शास्त्र के विरुद्ध में हैं। अनुज जी, मेरे गुरु जो हैं ओम स्वामी, बहुत ही एक क्वेरी आई थी, बड़ा क्वेश्चन उनको पूछा गया था कि अगर कोई मनुष्य, अगर कोई साधक अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक मंत्र को धारण करना चाहता है, सिर्फ एक ही मंत्र की साधना करना चाहता है, तो वो मंत्र कौन सा होना चाहिए, वो साधना कौन सी होनी चाहिए। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मेरे हिसाब से आप चलो तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में कम से कम एक बार
गायत्री मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। चाहे यज्ञोपवीत यानी कि जो जनेऊ हम धारण करते हैं, वो आपको आपका वो संस्कार हुआ है या नहीं हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार, आप चाहे ब्राह्मण हो या ना हो, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से भी बहुत सारे लोग ये जो है वो प्रश्न करते हैं। चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो या बूढ़े हो, सबको, चाहे आपको दीक्षा मिली हो या ना मिली हो, सबको अपने जीवन में कम एक बार गायत्री साधना करनी ही चाहिए। अगर शास्त्र की बात करेंगे तो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। रामायण में स्वयं माँ सीता जो है वो तीन काल यानी कि त्रिकाल संध्या करती थी, और संध्या जो है वो सवितुर गायत्री मंत्र की ही हो सकती है, क्योंकि जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य का गायत्री मंत्र है। बाकी 28 प्रकार के कुल गायत्री मंत्र हमें शास्त्र से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रुद्र गायत्री मंत्र जो है ये ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये रुद्र गायत्री मंत्र है। लेकिन सवितुर गायत्री मंत्र यानी सूर्य का गायत्री मंत्र, और त्रिकाल संध्या जो है सूरज के जो तीन समय होते हैं यानी कि जब सूर्योदय हो रहा होता है, फिर जब सूर्य मध्याह्न काल में पहुंच जाता है उस वक्त पे एक संध्या की जाती है, और जब सूर्यास्त हो रहा है उस वक्त पे तीसरी संध्या की जाती है। तो माँ सीता स्वयं त्रिकाल संध्या कर रही थी, वो तो स्त्री थी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के अलावा किसी को ये मंत्र जप नहीं करना चाहिए, यज्ञोपवीत नहीं हुआ तो नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको अगेन एक उदाहरण दूंगा और शास्त्रोक्त। गायत्री मंत्र के मंत्र दृष्टा जो हैं वो ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋषि विश्वामित्र अपने जो उनका पूर्वाश्रम था वे क्षत्रिय थे। देखिए अनुज जी, मैं स्वयं एक ब्राह्मण हूँ, और जब मैं ये बात करता हूँ ना, तब लोग आके बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट खड़े करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट। एक ही कथा इस समग्र जो एक कंट्रोवर्सी है ना, इसे ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। राजा कौशिक जो एक क्षत्रिय थे, वे ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गए, उनकी पूरी सेना उनके साथ थी, और राजा कौशिक ने कहा ऋषि वशिष्ठ से कि मेरी सेना जो है वो भूखी है, उन्हें क्षुधा है उनके अंतर में, तो आप उन्हें भोजन दीजिए। और राजा को ये लगा था कि एक ऋषि के कुटीर में आया हूँ, कुटीर भी एकदम छोटी थी, ना तो कोई लोग ज़्यादा थे वहाँ पे, आश्रम बहुत छोटा था, ये क्या ही कितना ही हमें खिला पाएंगे ना, कुछ थोड़ा बहुत दे देंगे खाने के लिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें भरपेट भोजन कराया। राजा कौशिक चौंक गए कि एक साधु जिन्हें जो संसार में नहीं है, जिनके पास ना तो धन दौलत है, ना तो संपत्ति है, ना तो ऐश्वर्य है, इन्होंने मेरी पूरी सेना जो हजारों की सेना थी उनको इतना भरपेट भोजन कैसे खिलाया, और स्वादिष्ट भोजन, 56 भोग। वे पूछने के लिए गए उनसे, और ऋषि वशिष्ठ ने उनसे कहा कि देखिए, मेरे आश्रम में एक गाय है, और वो गाय इच्छा पूर्ति करने वाली गाय है, आप जो मांगते हैं उनसे वो आपको दे देती है, कामधेनु। हाँ, कामधेनु। और राजा ने कहा कि ये अच्छा, यहाँ पे उनका अहंकार बीच में आ गया, ऐसी गाय तो राजमहल में होनी चाहिए, ये आश्रम में क्या कर रही है, कुटिया में क्या कर रही है ये गाय, मैं इनको लेकर जाऊँगा। उन्होंने अहंकार में आकर ऋषि वशिष्ठ को ये कहा कि आप मूल्य बता दीजिए, क्या है इसका, कितनी सोना मुहरे जो है वो आपको चाहिए, कितनी स्वर्ण मुद्राएं आपको चाहिए, मैं आपको दे दूंगा, आप ये गाय मुझे दे दीजिए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि गाय तो माता है, और माता को बेचा नहीं जा सकता किसी भी हालत में। तब जाकर राजा कौशिक के अहंकार को चोट लगी। अब उन्होंने तय किया कि जिस सेना को इन्होंने खाना खिलाया, भोजन कराया, उसी सेना के साथ अब मैं हमला करूंगा। और जैसे उन्होंने हमला किया, उनको ये पता नहीं था कि ऋषि वशिष्ठ है कौन, महानतम विद्याओं के उपासक, महानतम साधक, महानतम तांत्रिक, जिन्होंने
नील पर्वत पर जाकर, नीलांचर जो आज की कामाख्या पीठ है, वहाँ पे भी उन्होंने सुदीर्घ साधना की थी माँ की, सभी प्रकार की दक्षिणाचार वामाचार साधना। ऐसे साधक के सामने उन्होंने युद्ध करने का फैसला लिया और जैसा तय था हार ही गए, पराजय हुआ उनका, पराजय सह नहीं पाए और चले गए जंगल में। उन्होंने तप शुरू किया भगवान आशुतोष का, देवाधिदेव महादेव का। महादेव से उन्होंने अस्त्र और शस्त्र के वरदान लेकर वे वापस युद्ध करने के लिए गए दूसरी बार ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर। दूसरी बार भी हार गए। अब ये पराजय उनसे सही नहीं गई और अब उनको ये समझ में आया कि मैं जिनके साथ युद्ध कर रहा हूँ वो कोई सामान्य आत्मा है नहीं, इनके पास ज़रूर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से स्वयं भगवान महादेव का वरदान भी विफल चला गया। उस समय पर उन्होंने ऋषि से ये पूछा कि आपके पास ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी सिद्धि है जिसकी वजह से आप भगवान महादेव के वरदान को भी टक्कर दे पाए। ऋषि ने कहा कि आप तो मंत्र का वरदान लेकर आए ना मेरे पास युद्ध करने के लिए, मैं तो स्वयं मंत्र बन चुका हूँ। और ये बात जानकर राजा कौशिक को ये एक रियलाइजेशन हुआ या अनुभूति हुई कि मुझे इतना ही शक्तिशाली बनना है, मुझे इतना ही सात्विक भाव में जीना है। और तब वो जंगल में गए, उन्होंने सदियों तक तपस्या की और उन्हें प्राप्त हुआ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र प्राप्त होने के बाद वे जाने गए ऋषि विश्वामित्र के तौर पर। एक क्षत्रिय जो राजा था, उन्होंने जंगल में जाकर तपस्या की, उन्होंने ब्राह्मण की उपमा प्राप्त की, ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त की और वो बन गए ब्रह्म ऋषि। ये एक उदाहरण आप देखने को जाओ ना अनुज जी, ये एक उदाहरण, ये एक दृष्टांत ही काफ़ी है ये समझने के लिए कि साधना करने के लिए ना तो वर्ण देखा जाता है, ना तो कुल देखा जाता है और ना तो दीक्षा या फिर गुरु देखा जाता है। अगर आप सही उद्देश्य के साथ साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो स्वयं प्रकृति आपकी मदद करेंगी, सहायता करेंगी। आपको वहाँ पे किसी के बहकावे में नहीं आना है कि आप ये साधना कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मैं आपको बहुत ही दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूँ, अगर आपको गायत्री मंत्र अपनी ओर खींच रहा है, अगर आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करने में आनंद आ रहा है, अगर आपके चित्त को एक ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त हो रही है, तो ना तो आपको यज्ञोपवीत की आवश्यकता है, ना तो आपको दीक्षा की आवश्यकता है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, आप ये जाप कर सकते हैं, आप ये साधना कर सकते हैं। उसके लिए कोई मन में दुविधा या फिर संशय रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये साधना करने के दौरान सिर्फ एक बात हमें याद रखनी होगी, जो बहुत ही सुंदर एक किताब है, द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्र, रिटन बाय ओम स्वामी। उन्होंने लिखा है कि अगर आप सुबह सूर्योदय के समय गायत्री साधना कर रहे हैं तो ये मंत्र आपके लिए वैदिक मंत्र बन जाएगा, और अगर सूर्यास्त के बाद हो रहा है आपका जाप या फिर आपका अनुष्ठान तो तांत्रिक साधना बन जाती है। तो आप अपने हिसाब से तय करिए कि आपका मार्ग कौन सा है, आप इसे वैदिक मार्ग से करना चाहते हैं या फिर तांत्रिक मार्ग से करना चाहते हैं। इनफैक्ट एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या एक स्त्री मेंस्ट्रुएशन के दौरान, पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान साधना कर सकती हैं? उसका जवाब भी हाँ है। अगर आपने देवता को एक वचन दे दिया, अगर आपने देवता को एक संकल्प उनके सामने ले लिया कि मैं 40 दिनों तक साधना करूंगी, आपको मासिक धर्म को भी बीच में नहीं लाना है, उन 5 दिनों के दौरान, 3 दिनों के दौरान, 4 दिनों के दौरान आप वैसे ही साधना कर सकते हैं जैसे आप अपने रेगुलर डेज में करते हैं, दिए जलाकर, पूजा घर में बैठकर। ये काफ़ी यूनिक और बहुत बड़ी बात बताई आपने, पर क्योंकि ज़्यादातर मैं जहाँ तक सुनता आया हूँ वहाँ तक यही माना गया है कि साधना अगर चल रही हो तब भी अगर आप पीरियड्स में हो तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके रिचुअल्स आप फॉलो नहीं कर सकते, पर ये मैंने पहली बार सुना, इसका कोई रेफरेंस वगैरह है? बहुत सारी स्त्री साधिका जो है वो हमारे समाज में हो गई।
आज की तारीख में श्री बद्री का आश्रम जो है हिमाचल प्रदेश में, जो ओम स्वामी का ही एक आश्रम है, वहाँ पे 3 साध्वियाँ हैं, साध्वी श्रद्धा जी, साध्वी वृंदा जी और साध्वी निष्ठा जी। तीनों यंग हैं, वे आज की तारीख में भी सुबह और शाम गर्भगृह में जाकर 30 के 30 दिन, महीने के हर दिन वहाँ पे पूजा आरती होती है, वहाँ पे उनकी साधनाएं चलती रहती हैं। स्पष्ट आदेश दिया गया है कि आपको मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी कोई नीति या फिर नियमों का पालन नहीं करना है। किसी प्रकार नीति नियम से मेरा अर्थ ये नहीं है कि जो सामाजिक धारा धोरण जो दिए गए हैं ना, वो उसके मुताबिक नहीं चलना है। इन शॉर्ट, साधना की यात्रा में आपको एक ही बात याद रखनी होती है अनुज जी, अगर आपने देवता को यह वचन दे दिया कि मैं 40 दिन तक साधना करूंगी या फिर करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। एक बात यहाँ पे बार बार लोग ये पूछते हैं कि जो स्त्री साधका जो होती है उनके लिए ये खास एक जानने लायक बात हो सकती है। 40 दिन की साधना होती है, 120 दिन की भी होती है। गायत्री का जो महापुरुष चरण जो है, जो 32 लाख का पुरुष चरण, जहाँ पे आपको गायत्री मंत्र के 32 लाख जाप करने होते हैं, अगर वो आप कर रहे हैं तो ये कैसे संभव है कि आप 5 दिन ब्रेक कर पाएं अपनी साधना में? वो तो सालों सालों तक चलती है ना, 3 साल तक 5 साल तक वो साधनाएँ चलती रहती हैं। तो आप कैसे उस साधना को पीरियड्स के दौरान ब्रेक कर पाएंगे? आपने एक जॉब या फिर एक कंपनी ज्वाइन की, उसमें आपने अग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, क्या आप उस अग्रीमेंट को साइन करते वक्त ये लिखते हैं कि मैं महीने के 5 दिन नहीं आ पाऊंगी ड्यू टू माय पीरियड्स? नहीं। वही अग्रीमेंट साधना का अग्रीमेंट होता है, जो हम हाथ में जल लेकर संकल्प लेते हैं पहले दिन पर कि मैं अपना नाम बोलता हूँ, मैं अपना गोत्र बोल रहा हूँ, जो ओम विष्णु विष्णु विष्णु, जो पूरा एक बहुत ही सुंदर संकल्प का एक हमारा वहाँ पे मंत्र दिया गया है, वो जब संकल्प लिया जाता है ना, वहाँ पे सबसे पहले नाम बोला जाता है, बाद में गोत्र, बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप कौन से मंत्र को जागृत कर रहे हैं, उसके बाद कितने दिन तक करने वाले हैं और हर रोज़ कितनी माला करने वाले हैं, और लास्ट में आपका उद्देश्य, आपका इंटेंशन क्या है इस मंत्र को जागृत करने का। ये 6 बातें वहाँ पे बोली जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति 40 दिन का अनुष्ठान ले रहा है तो उसे, चाहे वो स्त्री हो, तो बीच में नहीं रोकना है। दूसरा फैक्टर, घर में अगर सूतक का भी कोई वो आ चुका है, सूतक भी है, तो भी सूतक की वजह से उन्हें साधना रोकनी नहीं है। ये इसलिए क्योंकि एक अग्रीमेंट आपने साइन किया है। इसलिए मैंने सबसे पहला वाक्य जो बोला था जब आपने ये प्रश्न पूछा कि साधना और पूजा में क्या अंतर है, मैंने पहला वाक्य ये कहा था, साधना इज लाइक अ प्रॉमिस गिवन टू देवता। जब आप प्रॉमिस दे रहे हो, जब आप एक वचन दे रहे हो, उस वचन को किसी भी हालत में खंडित नहीं होने देना है। अनटिल एंड अनलेस, अगर आप के जीवन में कोई ऐसी बाधा आ रही है जो आपको साधना नहीं करने दे रही है, जैसे कि बहुत बार कुछ घटनाएं हो जाती है जीवन में, एक्सीडेंट से लेकर हेल्थ से लेकर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे लोग अपनी साधना कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, सिर्फ उसी वक्त पर आप साधना को रोक सकते हैं। अदरवाइज़ आपको साधना को रोके बिना ही वो संपूर्ण संकल्प, वो संपूर्ण साधना पूर्ण करनी होती है। तो ये शास्त्र का विधान है, ये मेरा विधान नहीं है। ये साधना की बात कर रहे थे ना, उसमें आपने 2 चीज़ें बताई, पहली तो एक दक्षिणाचार्य और एक वामाचार्य, ये दोनों में क्या अंतर होता है? तंत्र के 6 प्रकार हैं, दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र, मिश्राचार तंत्र, कौलाचार तंत्र, समयाचार तंत्र और दिव्याचार तंत्र। मैं, जो आपने प्रश्न पूछा, प्रमुख जो 2 आचार हैं उनकी बात हम पहले करेंगे। दक्षिणाचार यानी जो हमारे जीवन में हम सात्विक द्रव्यों का उपयोग करके पूजा करते हैं, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, भगवान को पुष्प अर्पण करते हैं, हम भगवान को कुमकुम अर्पण करते हैं, देवी माँ को हम पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, वो जब सात्विक द्रव्यों के साथ की जाए, सात्विक भाव के साथ की जाए, तो वो दक्षिणाचार तंत्र साधना है। वामाचार तंत्र साधना, जब आप पंच मकार का उपयोग कर रहे हो, मांस, मत्स्य, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, ये 5
चीज़ों के माध्यम से उनको अर्पण करने के बाद जब आप कोई साधना करते हैं जिसे आज का समाज तामसिक द्रव्यों के नाम से जानता है, बेसिकली तामसिक पदार्थों के साथ जो साधना की जाए वो वामाचार साधना है। तो जो हमारी बात थी, जो हम गुरु के बारे में जब बात कर रहे थे, वहाँ पे आप ये बात याद रखना बहुत आवश्यक है सब साधकों के लिए, जब तक आप दक्षिणाचार तंत्र कर रहे हैं ना तब तक आपको गुरु की आवश्यकता कम होती है। ये कह सकते हैं कि आपके अंतरात्मा जो है वही आपके गुरु के तौर पर आप स्थापित करके साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई साधक इंटरनेट से सुन के या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म से सुन के ये सोच कर चल रहा है कि मैं भी वामाचार साधना करूँगा, मैं भी मदिरा का उपयोग करूँगा, क्योंकि आज की तारीख में तांत्रिक सेक्स और ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, मैंने इसके ऊपर हम आएंगे अभी, लोग बहक जाते हैं बहुत ज़्यादा। बहक जाने के बाद बिना गुरु के सीधा जो इंस्ट्रक्शन दी होती है या तो किसी इंटरनेट के कोई प्लेटफॉर्म के द्वारा या तो फिर किसी व्यक्ति के द्वारा, तब वो अगर एक बार वो साधना कर लेता है या फिर किसी भी प्रकार की कोई उस साधना में चूक हो जाती है बिना गुरु के जो साधना की जाए वामाचार साधना, तो उसमें डाउनफॉल की जो एक संभावना है वो बढ़ जाती है। तो वामाचार साधना में स्पेसिफिकली गुरु की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि आप तामसिक द्रव्यों के साथ डील कर रहे हैं। दक्षिणाचार और वामाचारी तांत्रिक बहुत हो गए हमारे यहाँ पे। ओम स्वामी ने अपने जीवन में जो सारी साधनाएं की वो दक्षिणाचार तंत्र मार्ग से की। उन्होंने जब माँ को जागृत किया श्री विद्या साधना के माध्यम से, वो श्री विद्या साधना भी उन्होंने दक्षिणाचार तंत्र मार्ग से ही की। उन्होंने अपने जीवन में 20 वर्ष जो अलग अलग प्रकार की साधनाएं की, चाहे वो सूर्य की साधनाएं हो, चाहे वो भगवान विष्णु की साधना, भगवान महादेव की साधना, वो सारी साधना दक्षिणाचार मार्ग से ही हुई थी। हमारे पास अभिनव गुप्त जैसे महान आचार्य हो गए, अलग अलग आपने नाम सुने होंगे आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, तो ये जो सारे आचार्य हो गए इन्होंने भी तंत्र साधनाएँ की थी। हमने एक कथा सुनाई ऋषि वशिष्ठ की, उन्होंने भी तंत्र साधनाएँ की, उन्होंने दक्षिणाचार तंत्र वामाचार तंत्र से की। तो यहाँ पे प्रायोरिटी ये है, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात एक ही है, तंत्र के नाम से लोग डरते हैं लेकिन घर पे जो हम पूजा करते हैं वो भी एक तंत्र ही है। तंत्र यानी एक सिस्टम, एक प्रणाली, जैसे हम कहते हैं ना राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, वही होता है आध्यात्मिक तंत्र। एक सिस्टम जिस सिस्टम के माध्यम से आप डिवाइन एनर्जी को टैप कर पाओ, आप उनको प्राप्त कर पाओ, वो सिस्टम ही है तंत्र। तंत्र के नाम से डरने की बजाय तंत्र के बारे में जानने का प्रयत्न करिए, तंत्र के शास्त्रों को पढ़िए, उसके बाद एक अपना ओपिनियन बिल्डअप करें कि तंत्र क्या है। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। और आज का समाज जो है वो सब कुछ ऑनलाइन सुनकर वही मानकर चलता है कि यही सच है हमारा सब कुछ। जब मैं कुछ बातें पॉडकास्ट में कहता हूँ या फिर कुछ बातें मैं लिखता हूँ ना, लोग आकर सुनी सुनाई बातें जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर की गई होती है वो कमेंट पे आकर लिखते हैं। मुझे उस वक्त भी एक ही आश्चर्य होता है कि आप बिना शास्त्र को पढ़े कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, और इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लिखते हैं ना कि एक बार आप भी विचार में पड़ जाओ, आप सोच में पड़ जाओ कि मैंने जो कहा वो सही है या फिर ये जो लिख रहा है वो सही है। यहाँ पे शास्त्र का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, चौखंबा प्रकाशन ने उसे प्रकाशित किया है, 10 महाविद्याओं का पुस्तक। अनुज जी आपको आश्चर्य होगा, वहाँ पे भी ये साफ तौर पर लिखा गया है, शिव विद्या से लेकर हर एक जो 10 महाविद्या है, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, धूमावती, मातंगी, कमलात्मिका और त्रिपुर भैरवी, ये 10 महाविद्या की साधना भी आप गुरु के बिना कर सकते हो। ये भी शास्त्र में विधान है। और वहाँ पे तो स्पष्ट तौर पर जिनके पास गुरु नहीं है उनको दक्षिणा मूर्ति को
को अपने गुरु पद पर धारण करके कैसे साधना करनी है, क्या विधि विधान होने चाहिए, वो सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को पढ़ना ही नहीं है। जब मैं बद्रिका आश्रम था, मुझे एक साल पहले की एक घटना याद आ रही है। ओम स्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 10 महाविद्या की साधना करता है ना, दो दो साल तक, देखिए दो पद्धति होती है, या तो एक महाविद्या के मंत्र को आप धारण कर लीजिए, पूरी जिंदगी बस वो एक ही महाविद्या को संपूर्णतया जागृत करिए, और दूसरी पद्धति सब महाविद्याओं के अलग अलग मंत्र को धारण करिए, दो दो साल तक साधना करें और 10ों की 10 महाविद्याओं को आप कुछ हद तक, एक अंश तक आप जागृत करें। तो उन्होंने ये कहा था कि अगर प्रत्येक साधक अपने जीवन में 10 महाविद्याओं को धारण कर लेता है, दो दो साल या तीन तीन साल उसके पीछे अगर दिया जाता है, तो आप मानकर चलो कि वो साधक कहाँ पहुँच सकता है। यह उनका विधान है, और ये विधान वो तब कह रहे हैं जब उन्होंने स्वयं 10 महाविद्याओं को जागृत किया है। ये विधान ऐसे ही नहीं बोला गया था। ओम स्वामी ने 2011 में श्री विद्या साधना को, जब वो पूर्णाहुति पर उनकी साधना आई, उस समय पर उनको माँ के दर्शन प्राप्त हुए, उनकी श्री विद्या साधना पूर्ण हो गई। श्री विद्या साधना के बाद ये जो माँ के दर्शन प्राप्त हुए वो 13 फरवरी 2011 की बात है। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु की एक सुदीर्घ साधना की, जो 11 मई को उन्होंने भगवान कृष्ण का साक्षात्कार किया। अब जो साधक भगवान कृष्ण का और ललिता महात्रिपुर सुंदरी का साक्षात्कार कर चुके हैं, वो तो उनके बारे में लोग यही मानते होंगे कि बस वो बैठ गए होंगे आराम से और लोक कल्याण का काम उन्होंने शुरू कर दिया होगा। उन्होंने अपनी साधना की यात्रा वहाँ पर रोकी नहीं अनुज जी, उन्होंने आगे चलकर बाकी की जो 9 महाविद्याएं थी उनको जागृत किया, और तब जाकर आज ओम स्वामी ये विधान कह पा रहे हैं कि अगर एक साधक के जीवन में 10 महाविद्याओं को जागृत करना है तो वो भी संभव है। तो ये जो गुरु के विधान और ये जो सारी चीज़ें जो हम बहाना देते रहते हैं ना बार बार, और ये बहाना देने का एक रीज़न भी है कि 1200 साल से जो विदेशी आक्रांताएँ आए थे, शंकराचार्य के जो सारे अलग अलग मत हैं, अलग अलग हमारे भारत में जो आचार्य हुए, अलग अलग जो महात्मा हुए, उनको ये आवश्यकता लगी कि जब तक विदेशी आक्रांता आ रहे हैं, अगर उनके हाथ में ये साधना चली गई, ये न्यूक्लियर एनर्जी है, अगर एक गलत हाथों में न्यूक्लियर एनर्जी को दे दिया जाए तो क्या विध्वंस हो सकता है ना, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रॉबर्ट ओपनहाइमर, जिन्होंने एटम बॉम्ब डेवलप किया और न्यू मैक्सिको में उसका परीक्षण हो रहा था, बहुत ही सुंदर फिल्म आके चली गई लास्ट ईयर, उन्होंने भगवद्गीता से एक कोट कहा था कि सहस्र सूर्यों का जो तेज है वो मैंने देखा अपने नेत्रों के समक्ष और मुझे लगा कि मैं ही विश्व सहारक मृत्यु बन चुका हूँ। ये बात तब आती है जब भगवद्गीता, जब कुरुक्षेत्र पर कृष्ण जो है वो ब्रह्मास्त्र का प्रहार, जो ब्रह्मास्त्र जब प्रहार किया जाता है, उस समय पर ये बात कही गई है। ब्रह्मास्त्र कोई फिजिकल अस्त्र नहीं, कोई फिजिकल वेपन नहीं था, वो एक मंत्र था। उस मंत्र को जब जागृत किया जाता था वो न्यूक्लियर ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा प्रभाव दे सकता था। अगर ये बात एक वैज्ञानिक एटम बॉम्ब के परीक्षण के वक्त बोल रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को आप मानकर चलिए कि अगर वो इतना तबाही मचा सकती है हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, अगर उसको 100 गुना ज़्यादा तीव्रता के साथ कोई व्यक्ति गलत हाथों में दे दे, अगर उसका गलत इस्तेमाल किया जाए, तो क्या विध्वंस होगा। इसी वजह से ये सारे मंत्र को, ये संपूर्ण शास्त्र को किलित कर दिया गया था। कुछ कुछ नियम बनाए गए कि आपको, अगर आपके पास इतने इतने टिक मार्क्स हैं तो ही आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। 1200 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हम वो चीज़ें हटाना भूल गए। विदेशी आक्रांता तो चले गए लेकिन हमने हमारी मानसिकता को नहीं छोड़ा। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले जो नीति नियम बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे कि कोई गलत हाथों में ये शक्तियाँ न चली जाए,
बाद में इसको हटाया नहीं गया, लेकिन अब धीरे धीरे आप जैसे लोग जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको जानते हैं, वो अब धीरे धीरे उसको हटा रहे हैं, यही है ना। मैं तो कोई नहीं हूँ हटाने के लिए, नियम जो बनाए गए थे उनको हटाने का अधिकार मेरे पास नहीं है, लेकिन ओम स्वामी जिन्होंने इतनी सुदीर्घ साधनाएँ की, उनके जीवन के दो डिकेड्स, दो दशक उन्होंने ये सारी साधनाएँ की, इंक्लूडिंग महाविद्या साधना, दक्षिणाचार, वामाचार, सब प्रकार की साधनाएँ। उनका संप्रदाय जो है उदासीन संप्रदाय, और चार अलग अलग संप्रदाय से उन्होंने दीक्षा ली। सबसे पहला उनके बड़े मामा जी थे, जिन्होंने जब वे छोटे थे उस वक्त पर ओम स्वामी को एक दीक्षा दी गई थी। उनके बड़े मामा जी 40 साल तक वो जो थे शमशान में जाते थे, उनकी पूजा चलती थी वहाँ पे, अलग प्रकार की साधना चलती थी। वो जो भस्म थी, वो भस्म उन्होंने कभी किसी को नहीं दी थी, और एकमात्र ओम स्वामी को उन्होंने ये भस्म जो है उनके ललाट पर लगाई थी, उनको दीक्षा दी थी। और इस बात का उल्लेख जो उनकी एक किताब है, इफ़ ट्रूथ बी टोल्ड, उनका एक मेमोर जो गुजराती में भी अब अवेलेबल हो चुका है, सत्य कहूँ तो, वहाँ पे आपको ये उल्लेख प्राप्त होता है। दूसरा, उन्होंने बाद में जाकर अपने जो गुरु थे नागा बाबा, जो भारत के तंत्र सम्राट थे, उनको दीक्षा दी थी, जो उदासीन संप्रदाय में उनको दीक्षा प्राप्त हुई थी। और उदासीन संप्रदाय गुरु नानक जी थे, उनके जो ज्येष्ठ पुत्र थे चंद्रदेव जी, उनके द्वारा उदासीन संप्रदाय का पुनरुत्थान हुआ था, वहाँ से ये संप्रदाय जो चला आ रहा था। लेकिन उसके जो मूल हैं, वो भगवान विष्णु ने सबसे पहले माँ लक्ष्मी को एक मंत्र दिया था, जिससे कि मनुष्य जो है वो नारायण भाव में स्थित रह सके, वहाँ से वो मंत्र चला आ रहा था। महालक्ष्मी ने वो मंत्र दिया महर्षि नारद को, नारद जी ने वो मंत्र दिया सनत कुमार को, और सनत कुमार से वो मंत्र आगे चलता 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 ऋषि पराशर के पास आया, उन्होंने दिया वेद व्यास जी को, और ऐसे चलते 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 वो मंत्र आज की तारीख में फिर ओम स्वामी के पास पहुंचा। अब इतनी सुदीर्घ जो परंपरा है, इतना बड़ा जो संप्रदाय है, वो उनका उदासीन संप्रदाय, वहाँ से उनको दीक्षा प्राप्त हुई। तीसरा, भैरवी माँ जो उनको बद्रीनाथ में मिली थी, और भैरवी माँ ने उनको एक मंत्र दिया था, दीक्षा दी थी। उसके बाद जब उनकी साधना पूर्ण हुई, श्री विद्या साधना जिसके हम बात कर रहे थे, वो साधना पूर्ण होने के बाद वे गए थे कामाख्या शक्तिपीठ, और वहाँ पे उन्होंने एक महातांत्रिक थे जिन्होंने 30 साल से किसी को दीक्षा नहीं दी थी, उनके पास से सर्वोच्च तंत्र दीक्षा ग्रहण की। तो ये चार अलग अलग बड़े संप्रदाय उनके साथ आकर जुड़े, उनकी साधना पूर्ण हो गई। बाद में उन्होंने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा जो है वो लिखी किताब, उसमें उन्होंने ये बात लिखी है कि जो भी सारी जो नीति नियम थे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए थे, ये साधनाओं को करने के लिए आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट आज की तारीख में उन्होंने साधना ऐप को लॉन्च किया, वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान जो 150 से ज़्यादा मंत्रों को जागृत किया था, वो मंत्र को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रख दिया, एकदम फ्री, नो चार्जेस, इंक्लूडिंग भगवान उच्छिष्ट गणपति की साधना जो सिर्फ और सिर्फ वामाचार पद्धति से की जाती है। उन्होंने वामाचार पद्धति की वो साधना वैदिक मेथड से वहाँ पे दी है साधना ऐप पर, और सिर्फ यही एक तंत्र साधना नहीं, बाकी बहुत सारी अलग अलग तंत्र साधना वहाँ पे दी गई है। स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये साधना को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि जो अलग अलग मंत्रों की हमने बात की, 150 से ज़्यादा जागृत मंत्र वहाँ पे दिए गए हैं, जो मंत्र को उन्होंने अपनी ऊर्जा के साथ जागृत किया था, अपनी ऊर्जा के माध्यम से जागृत किया था, अपनी साधना तपोबल के आधार पर जागृत किया था, वो मंत्र उन्होंने वहाँ पर रखे हैं। और लिखा गया है कि इन मंत्रों का जप करने के लिए, इनकी साधना करने के लिए आपको किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मैं, जो आपके प्रश्न के शुरुआत में मैंने कहा कि मैं कोई नहीं होता हूँ नियमों को बदलने वाला, लेकिन मेरे जो गुरु हैं उन्होंने जिस प्रकार से
ये जो सारे अलग अलग नियम हमारे यहाँ पे दिए गए थे उनको जिस प्रकार से अभी जाकर एक ओपन अप करने की शुरुआत की है। भारत में कितने सारे ऐसे संत हैं आज की तारीख में, बड़े बड़े आचार्य, जो ये कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र सबको चांट करना चाहिए, सबको उसका उच्चारण करना चाहिए। लेकिन जिसको अगर सिर्फ और सिर्फ जो अपने मन में ये मान कर बैठे हैं ना कि बस एक बार किसी ने कह दिया तो बात ख़त्म, एक बार एक संप्रदाय में कुछ बातें उतर कर आ गई, बिना पढ़े बिना समझे बिना लॉजिक का यूज़ किए बस कहते रहो समाज के अंदर कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, पहले आप करके तो देखो उसके बाद आप लोगों को कहने के लिए जाना। हमारे यहाँ पे बोल बच्चन बहुत ज़्यादा है अनुज जी, साधना का अनुभव कुछ नहीं होता, बोलते इतना है कि हमने नियमों के बारे में बात करते हैं, रूढ़ी के बारे में बात करते हैं, विधानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब आप उनको ये पूछने को जाओ कि आपने कितने मंत्र को जागृत किया, एक मंत्र को जागृत करने के लिए उस मंत्र में जितने वर्ण होते हैं उतने लाख जप करने पड़ते हैं। अगर हम दुर्गा सप्तशती में नवान मंत्र की बात करें तो नवान मंत्र में 9 वर्ण हैं, उसको सिर्फ एक मंत्र को जागृत करने के लिए उसके 9 लाख बार जप होने चाहिए विधि विधान के साथ। ऐसे 150 से ज़्यादा मंत्र ओम स्वामी ने जागृत किए हैं, 150 से ज़्यादा। कैन यू इमेजिन कितने लाख जप होंगे, मैं वो भी बात छोड़ दो, सिर्फ श्री विद्या साधना के बारे में अगर हम बात करें, श्री विद्या साधना में पंचदशी मंत्र उनको प्राप्त हुआ था दीक्षा में, पंचदशी मंत्र में 15 वर्ण होते हैं, 15 अक्षर। श्री विद्या साधना करने के लिए सबसे पहले 15 नित्याओं को जागृत करना पड़ता है श्री यंत्र के माध्यम से। 15 नित्याओं के अपने अपने अलग मंत्र हैं। सबसे पहले आपने पंचदशी मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान किया, 15 लाख जप यज्ञ के साथ, उसके बाद 15 नित्याओं के 15 मंत्र को जागृत किया उनके उतने लाख जप के साथ। कुछ नित्याओं के मंत्र छोटे हैं, कुछ नित्याओं के मंत्र बड़े हैं, तो कुछ कुछ के 9 लाख, कुछ कुछ के 21 लाख। ऐसे 15 मंत्रों को जागृत करने के बाद फिर से एक बार पंचदशी मंत्र का पूर्ण अनुष्ठान करना होता है 15 लाख बार। यह सिर्फ एक महाविद्या की साधना हुई। इसमें भी प्राथमिक तौर पर श्री ललिता सहस्रनाम को जागृत करना पड़ता है, श्री सुक्तम को आपको जागृत करना, उसकी एक साधना बहुत आवश्यक है, और भगवान उच्छिष्ट गणपति के मंत्र को जागृत करना पड़ता है, तब जाकर आप श्री विद्या में आगे बढ़ सकते हो। ललिता सहस्र नाम का 40 दिन का अनुष्ठान, 1000 बार उसका जप करना होता है, एक दिन में अनुज जी 25 बार उसका जप होता है। 25 बार ललिता सहस्र नाम का उच्चारण करने के लिए आपको कई घंटे चाहिए, 15 से 18 घंटे। 40 दिन का वो अनुष्ठान होता है, तब जाकर वो जो ललिता सहस्र नाम है वो 40 दिन में आप 1000 बार उसका जप करते हैं और वो जागृत हो सकता है। ये मैंने आपको सिर्फ एक साधना बताई, एक महाविद्या की साधना। उन्होंने 10 महाविद्याओं को जागृत किया है, उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं के 150 से ज़्यादा मंत्रों को जागृत किया है, तब जाकर वो ये कह सकते हैं कि क्या विधि विधान को आपको फॉलो करना चाहिए और कौन से विधि विधान को आप नहीं अगर करेंगे, शास्त्र को जो नियम है कौन से नियम का पालन करना चाहिए और कौन से नियम का पालन नहीं करना चाहिए। गुरु अगर आपको पता है, अगर सिद्ध हैं, अगर स्वयं गुरु ने कुछ कुछ मंत्र को जो है वो सिद्ध किया है, तब जाकर आप उस मंत्र के बारे में बात करने के लिए लायक बनते हैं। लेकिन लोग आज की तारीख में ये नहीं समझते, लोगों को सिर्फ अपना जो मत है जो उन्होंने सिर्फ कहीं पर पढ़ लिया, ऐसे ही करना चाहिए वैसे ही करना चाहिए, फिर वो बिना अनुभव बिना साधना किए बिना एक्सपीरियंस के माध्यम से बोलते रहते हैं सिर्फ। पर अगर किसी को सिद्धि प्राप्त होती है साधना के माध्यम से तो उसका पता कैसे चलता है, मतलब क्या अनुभूति होती है, कोई देवी आती है, मतलब क्या एक्सपीरियंस होता है? ये देवी का आना, आवेश में ये सारी चीज़ें होना, देखिए मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद, जैसे कि हमने एक कथा में कहा था कि ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि मैं स्वयं मंत्र बन चुका हूँ, आपको कहने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाता है। सबसे पहला लक्षण ये होता है कि वाक सिद्धि प्राप्त होती है। आप जब किसी के सामने कुछ बात रखते हैं उस व्यक्ति का मंत्रमुग्ध हो जाना तय है,
वाक सिद्धि दो प्रकार की होती है, एक किसी को मंत्रमुग्ध कर देना और दूसरा आपके मुख से अगर कुछ निकल गया कि आपके साथ ये होगा तो होगा ही। ये एक लक्षण की बात हुई, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही लक्षण हो। तेज ही इतना होता है ना अनुज जी, एक मंत्र को जागृत करने के बाद जब आप मंत्रमयी बन जाते हैं उस वक्त पर किसी को बताने जाने की ज़रूरत नहीं होती। सूर्य को कहने नहीं जाना पड़ता कि मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा को ये कहने नहीं जाना पड़ता कि मैं चंद्र हूँ। ये साधना और इन सब माध्यमों से मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है वो आदमी पा सकता है? बिल्कुल, इनफैक्ट वो तो सबसे पहले आती है। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं ललिता सहस्रनाम में, महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि ही महासिद्धि ही महायोगेश्वरेश्वरी। जब माँ का प्रागट्य एक साधक के जीवन में होता है, जब सबसे पहला आपके जीवन में ईश्वरीय सत्ता का प्रादुर्भाव होता है, उनकी कृपा प्राप्त होना शुरू होता है, तब सात फेज़ में ये चीज़ होती है। सबसे पहला फेज़ महाभोगा, महाभोगा महेश्वर्या, भोग ऐश्वर्य आते हैं आपके जीवन में सबसे पहले। एक माँ अपने संतान के घर पे जाए अगर, तो कभी वो खाली हाथ नहीं जाएगी, या तो कुछ मिठाई बनाकर ले जाएगी या तो कुछ गिफ्ट लेकर जाएगी। वैसे ही जब एक माँ अपने साधक के जीवन में, हम तो यहाँ पे आदि पराशक्ति की बात कर रहे हैं, एक सामान्य माँ अपने बच्चे के लिए अगर खाली हाथ नहीं जा सकती तो महायोगेश्वरेश्वरी ब्रह्मांड साम्राज्ञी राज राजेश्वरी खाली हाथ कैसे आएंगी? भोग और ऐश्वर्य लेकर आती हैं सबसे पहले। उसके बाद महावीर्या महाबला, महावीर्या यानी महा एक आप मान के चल सकते हो एक शारीरिक बल, आपको इतना ज़्यादा सक्षम बना देंगी फिजिकली कि आप कभी पीछे नहीं पड़ोगे। फिर कभी आपको जीवन में किसी चीज़ के बारे में फिजिकली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रोग से लेकर अलग अलग जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप दूर होती जाएंगी जीवन से। महावीर्या महाबला आपको एक सामाजिक स्टेटस दे देंगी, एक ऐसा सामाजिक स्टेटस जो जिसको पाने के लिए बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं जहाँ तक पहुँचने के लिए। ये हो जाने के बाद आएगा एक फेज़ महाबुद्धि ही, जो हमारा पांचवा फेज़ है महाबुद्धि। वहाँ पे आपको सुप्रीम इंटेलेक्चुअलिटी प्राप्त होगी, एक ऐसी बुद्धि एक ऐसी क्षमता जहाँ पे आपको ये पता होगा कि मुझे अब क्या करना है अपने आध्यात्मिक यात्रा में आगे। फिर जो छठा फेज़ है वो है महासिद्धि। यहाँ पे हम जो अलग अलग सिद्धियों की बात करते हैं, किसी के मन को पढ़ लेना, किसी के बारे में जान लेना सब कुछ उसके बिना कुछ कहे ही, ये वो फेज़ है जहाँ पे सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो इस फेज़ पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि एक बार सिद्धियाँ प्राप्त हो गई तो अहंकार का आना भी तय है। फिर वो हो जाता है कि अब ये सिद्धियाँ मैं लोगों को दिखाऊँगा कि मेरे पास क्या है। उनको इतनी सारी चीज़ें कही जाएंगी, इतनी सारी उनके जीवन में एक खिलौने दिए जाएंगे उनको खेलने के लिए, फिर वो वही माया में लिपट कर रह जाएंगे, फिर साधना नहीं हो सकती। उसके बाद लास्ट फेज़ है महायोगेश्वरेश्वरी। अगर आप महासिद्धि के फेज़ से भी निकल गए, अगर आपने वहाँ पे भी अपने आप को बस यही माना कि एक पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ है, लेकिन मेरा जो ध्येय है मेरा जो उद्देश्य है वो वास्तव में माँ को प्राप्त करना है, तब जाकर महायोगेश्वरेश्वरी आपको प्राप्त होती है, तब जाकर उनका प्रागट्य आपके जीवन में होता है। अब एक प्रश्न मेरे मन में ये भी था कि कई बार ये वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन ये आदि सारे नाम हम सुनते रहे, इन सब में डिफरेंशिएशन क्या है? मतलब वशीकरण क्या होता है, स्तंभन क्या होता है, मारण क्या होता है, इसके बारे में अगर आप बताएं। तंत्र का एक भाग जो है वो अभिचार क्रिया है। आज की तारीख में तंत्र के नाम से लोग इसलिए डरना शुरू हो चुके थे क्योंकि तंत्र को अभिचार क्रिया के साथ जोड़ दिया गया। तंत्र यानी मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, ऐसी एक मान्यता लोगों के दिमाग में बैठ गई।
अनुज जी, यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी कि अभिचार क्रिया तंत्र का एक बहुत ही छोटा सा भाग मात्र है, वो पूरा तंत्र नहीं है। तंत्र एक बहुत ही ज़्यादा विस्तृत टर्म है, बहुत ही ज़्यादा व्याप्त उसका क्षेत्र है। अभिचार क्रिया, जिसे शास्त्रों में षटकर्म भी बोला गया है, मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन विधवेषण, ये जो षटकर्म है वो तंत्र का एक छोटा सा भाग है। और इन छह क्रियाओं के माध्यम से पहले के ज़माने में इनको इसीलिए इंट्रोड्यूस कराया गया था शास्त्रों के अंदर, ताकि आत्मरक्षा हो पाए। अनफॉर्चुनेटली समय के साथ लोगों ने इन छह क्रियाओं का उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए करना शुरू कर दिया। षटकर्म यानी सबसे पहला मारण, यानी कि किसी को मार देना क्रिया के माध्यम से, इतनी ऊर्जा एकत्र कर देना कि उस ऊर्जा के माध्यम से अलग अलग प्रकार की चीज़ें होती है। यहाँ पे मारण क्रिया करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, अलग अलग मेथड्स हैं। मारण क्रिया से आप किसी को मार सकते हैं। मोहन यानी कि सम्मोहित कर देना किसी को। आज की तारीख में आप दो जो प्रेमी होते हैं, जो एक कपल होता है, अगर उनमें से एक व्यक्ति, एक तरफा जो प्यार हम कहते हैं, अगर वो हो रहा है और दूसरे व्यक्ति को ये पसंद नहीं है, तो कुछ कुछ क्रियाओं के माध्यम से, मोहन क्रिया के माध्यम से उन्हें मोहित कर पाना संभव है। वशीकरण यानी किसी को वश में कर लेना, वशीभूत कर लेना। वशीभूत करना यानी बाद में आप जो भी बात वो इंसान को कहेंगे, वो आपकी बात को ही सर्वोच्च मानेगा, आपकी बात ही उनके लिए पत्थर की लकीर बन जाएगी, चाहे वो कितने भी अच्छी या फिर कितने भी बुरी क्यों ना हो, आपके लिए सही या गलत क्यों ना हो। संपूर्णतया वशीभूत हो जाना, अपनी सूझबूझ जो है वो खो बैठना हमेशा के लिए, जब तक वो क्रिया का असर रहता है तब तक। उसके बाद है स्तंभन। स्तंभ यानी जो पिलर होता है, वो जो आप जड़ता के साथ उसे जोड़ा जाता है। स्तंभन करना यानी जड़वत कर देना एक इंसान को, मनुष्य को जड़ कर देना। एक मेरे ही जो एक मैनेजर हैं स्टैनली, उनके पास से मैंने एक किस्सा सुना था। उनके गांव में एक लेडी थी और उनका एक बच्चा था, और वो जो बच्चा था उनके स्वप्न में एक बार जो है उनके दादाजी आए, और उनके दादाजी ने कुछ रहस्य की बात बताई कि उनके घर में एक चरू जो है, एक वो घड़ा जो है वो दबा हुआ था कहीं पे, और वो चीज़ एक छोटे बच्चे के स्वप्न में आकर कही गई। अब वो बात जब कही गई, उसके बाद दूसरी सुबह हुई, सुबह में वो जो बच्चा था उसने अपनी माँ को ये बात कहने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो ये बात कहने को जाए कि स्वप्न में उसे दादाजी ने कहा क्या, उसकी जो जीवा जाए, उसकी जो टंग है वो स्तंभित हो गई कुछ कारणों की वजह से, और फिर वो बच्चा 4 दिन तक बोल नहीं पाया, 4 दिन तक। तो स्तंभित हो जाना यानी कुछ कुछ क्रियाओं के माध्यम से आप किसी को बोलने से भी रोक सकते हैं, आप उनको कुछ क्रिया करने से भी रोक सकते हैं। उसके बाद उच्चाटन। उच्चाटन यानी उसके नाम में ही उसका एक अर्थ छिपा हुआ है, उचाट। गुजराती में भी एक वर्ड है उचाट, जहाँ पे जिसे बेचैनी के साथ जोड़ा जाता है, एंजाइटी के साथ जोड़ा जाता है। मन का बेचैन हो जाना प्राकृतिक कारणों की वजह से नहीं, अप्राकृतिक कारणों की वजह से कुछ कुछ बार, कोई कोई बार जब ये क्रिया करी जाती है, तब आप आउट ऑफ द ब्लू, कोई रीज़न के बिना, किसी प्रकार की कोई कारण नहीं होते, फिर भी आपका मन जो है वो बेचैन रहने लगता है, आपको हमेशा एंजाइटी रहती है, आपको रीज़न पता नहीं होता, क्योंकि जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, यू डोंट इवन नो द रीज़न कि ये क्यों हो रहा है। उस वक्त पे उच्चाटन क्रिया जो है वो अगर उस लेवल तक करी गई है तो ये बात पिक्चर में आती है। लास्ट जो है वो है विद्वेषण, वी द्वेषण। द्वेष यानी अंतर पैदा करना, झगड़ा कराना। वी द्वेष यानी विशिष्ट प्रकार का द्वेष पैदा करना दो लोगों के बीच में। अब ये जो विद्वेषण क्रिया है, कोई व्यक्ति या फिर कोई कपल है या फिर कोई दो पार्टनर्स हैं,
उनके बीच में फूट डालने के लिए, उनके बीच में अंतर पैदा करने के लिए विद्वेषण क्रिया जो है वो की जाती है। यहाँ पे अनुज जी हमें ये बात याद रखना बहुत आवश्यक है, 99% ऑफ केसेस जो मेरे सामने आते हैं उनमें से सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि हमारे ऊपर कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो करी गई हैं, लेकिन वास्तविकता वो होती नहीं है। इंसान का, मनुष्य का जो ह्यूमन मैकेनिज्म है, माइंड का जो एक कॉपिंग मैकेनिज्म है, वो उसे मानने पर मजबूर कर देता है कि अगर जीवन में निष्फलता आ रही है, विफलता आ रही है, तो इसका रीज़न ज़रूर अभिचार क्रिया होना चाहिए। पर लोग ये नहीं सोचते कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ, मुझे अपने जीवन में किस क्षेत्र में मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हमने ये सोचना शुरू कर दिया ना, उस वक्त पे आपके दिमाग से ये बात निकल जाएगी कि मेरे ऊपर कोई अभिचार क्रिया हुई है। ज़्यादातर लोग अपने मन में ये वहम पाल कर बैठे हुए हैं कि हमारे ऊपर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो करी गई हैं, और इसी वहम की वजह से अंधश्रद्धा में बढ़ोतरी होती है, और जो एक आज के समाज में अलग अलग प्रकार की एक मार्केट्स खोल दी गई हैं, लोग आपको ये कहते हैं कि आप हमारे पास से ये यज्ञ करवा लीजिए, आप हमारे पास से ये विधि विधान करवा लीजिए, आप हमारे पास से ये एक जो अंगूठी है वो पहन लीजिए, आपके जीवन में सब ठीक हो जाएगा। ये जो एक बिज़नेस मॉड्यूल खड़ा कर दिया गया है, एक मॉडल खड़ा कर दिया गया है, अगर लोग समझ जाए ना ये वास्तविकता, अगर लोग अपने इष्ट के साथ जुड़ना सीख जाए, अगर लोग साधना करने लगे, अनुज जी आई कैन टेल यू ये सारी चीज़ें उनके दिमाग से यूं हट जाएगी। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और पॉजिटिव एनर्जी आते ही फील हुई थी, और बहुत सारी बातें करने के बाद और पॉजिटिव फील कर रहा हूँ अपने आप को। हमारे इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका खूब खूब आभार, और साथ ही ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी वजह से किसी को भी ऐसा लगता है कि तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव है, तो पहली चीज़ तो अपने पे देखना चाहिए जो आपने अभी बताया, साथ ही बहुत सारी जानकारी आपने तंत्र मंत्र के बारे में बताई। होप हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे, और होपफुली आप आएंगे भी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू, और मैं विनती है आपसे कि पूर्णाहुति मंत्र के साथ इस पॉडकास्ट की हम जो है उसे समाप्त करें। जी बिल्कुल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्।